दिल्ली विधानसभा सुबह चुनाव में 2025 के लिए दिल्ली भाजपा के संकल्प पत्र निर्माण समिति के संयोजक सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आज समिति के अन्य सदस्यों की उपस्थिति में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व की सहमति से प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा ने जो संकल्प पत्र निर्माण समिति गठित की है अब उसको अपनाने के कार्य कर दी गई है। हमारी कुछ बैठकें हुई हैं, हमने भाजपा के दृष्टिकोण से दिल्ली के लिए संकल्प पत्र का एक प्रारंभ प्रारूप तैयार किया। श्री बिधूड़ी ने कहा कि प्रारंभिक चर्चा में हमने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के झुकाव पर तय किया है कि दिल्ली में सभी सामाजिक योजनाएं, बिजली, पानी, सब्सिडी, परिवहन, छूट पहले से बेहतर होगी एवं उनको जनता के नए वर्गों तक पहुंचाया जाएगा। देखिए, मैनिफेस्टो हमारा जो संकल्प पत्र है ये दिल्ली की जनता से हम सुझाव लेने का काम कर रहे हैं, जनसंवाद का काम कर रहे हैं और लोगों से बातचीत करके सभी हमारी लोकसभाओं में हमारे प्रमुख नेता जाएंगे, विधानसभा स्तर तक हम लोग जाएंगे, दिल्ली के मन की जो आवाज़ है, दिल्ली के मन की जो बात है वो निश्चित रूप से उनको समझेंगे। और दिल्ली में एक चीज तय है कि इस बार परिवर्तन निश्चित है। दिल्ली में जिस प्रकार से ये भ्रष्टाचारी सरकार, दिल्ली में जो पूरी निकम्मी सरकार 10 साल में दिल्ली को बेहाल कर दिया, फिरौती और रंगदारी की सरकार ये जो बनी है इसको समाप्त करने के लिए दिल्लियों के लोगों के हम सुझाव लेंगे और जो दिल्ली के लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं उन सुविधाओं को हम अच्छी तरीके से, समुचित तरीके से लोगों को बिजली पानी जो मूल सुविधाएं हैं वो लोगों को मिले, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। सर, बात किया जाए अरविंद केजरीवाल लगातार केंद्र सरकार को जो भ्रष्टाचार किया जा रहा अपराध को लेकर लगातार कटाक्ष कर रहे हैं उसको नहीं, अपराध तो ये पूरी पार्टी ही अपराधी पार्टी है। इसके सारे के सारे विधायक अपराध में लिप्त हैं, मुख्यमंत्री जेल चले गए, उप मुख्यमंत्री जेल चले गए, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जेल चले गए और अब तो एक नया काम जो हम नहीं सुनते थे राजधानी में होना शुरू हो गया। ये सरकार फिरौती, रंगदारी और वसूली की सरकार बन गई है, एक्सट्रॉशन की सरकार बन गई है। इसके विधायक को जो गिरफ्तार किया गया, किन किन लोगों से दिल्ली में डरा कर धमका कर ये पैसा इकट्ठा करने का काम, वसूली का काम, रंगदारी का काम इस सरकार के विधायक कर रहे हैं, तो इससे बड़ा उदाहरण भ्रष्टाचार का और लूट का हो नहीं सकता। और ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार से ऊपर से लेकर नीचे तक लिप्त है। सर, आज अवध होजा जी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है, क्या कहना चाहेंगे? मुझे इस पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। पार्टी में लोग ज्वाइन करते हैं, क्या करते हैं, क्या करेंगे, ये मेरा कोई प्रेरोगेटिव इसमें नहीं। बताया ना, घोषणा समिति की 3 बैठकें हो चुकी हैं और 5 दिसंबर से हमारे घोषणा समिति के सदस्य अलग अलग वर्गों के साथ बैठकें करेंगे। 7 तारीख को हर जिले में एक एक मैनिफेस्टो बैठक जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से उनको हरी झंडी दिखाकर सभी जिलों के लिए रवाना करेंगे। विधानसभा स्तर पर, जिला स्तर पर अलग अलग वर्गों के साथ बैठकें की जाएंगी। मैनिफेस्टो के लिए वो क्या सुझाव देना चाहते हैं, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे अलग अलग मोर्चों और प्रकोष्ठों के अध्यक्ष उनको एकत्रित करेंगे और समिति के पास उनको भेजेंगे। प्रदेश स्तर पर भी हम अलग अलग वर्गों के साथ मिलने वाले हैं और इस काम को हम अगले 10 दिन के अंदर पूरा कर लेंगे, ऐसा मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। सर, मैनिफेस्टो में क्या शिक्षा, स्वास्थ्य और तीर्थ यात्रा ये भी आप लाएंगे? सर, देखिए अभी ये तो बाद में बताएंगे ना, अभी तो मैंने एक ही बात का जवाब दिया है कि अरविंद केजरीवाल आतिशी एक बात लगातार कह रहे हैं कि दिल्ली में भाजपा की सरकार आएगी तो मुफ्त बिजली, पीने का पानी जो 20,000 लीटर मुफ्त दिया जा रहा है, 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है और महिलाओं के लिए जो ट्रांसपोर्ट फ्री है। हम दिल्ली के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध भी कराएंगे, पानी की उपलब्धता भी बढ़ाएंगे और 20,000 लीटर हमारी सरकार लोगों को मुफ्त पानी उपलब्ध कराएगी। अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा पा रही है। अरविंद केजरीवाल की सरकार के पास बसें ही नहीं हैं। हम दिल्ली के लिए 10,000 इलेक्ट्रिक बसें लेकर दिल्ली की जो हमारी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है उसको वर्ल्ड क्लास बनाएंगे, जिससे कि महिलाएं जो है मुफ्त सफ़र का आनंद ले सकें। और इसके साथ साथ उन्होंने यही 2-3 बातें कही हैं कि बिजली, पानी और ट्रांसपोर्ट जो महिलाओं के लिए मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही है, शायद भाजपा आएगी तो इनको बंद कर देगी। हम बंद नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम
और बेहतर तरीके से ये सारी सुविधाएं दिल्ली के लोगों को उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ साथ आयुष्मान भारत योजना, जिसको अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लागू नहीं होने दिया है, हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं जिनके ऊपर 70 साल है, 70 साल से ज़्यादा हैं, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, सभी को 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। 70 साल से जिनकी उम्र कम है उनको भी ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जैसे ही दिल्ली भाजपा की सरकार बनेगी और जो पहली कैबिनेट की बैठक होगी, उस बैठक में आयुष्मान भारत योजना को लागू कर दिया जाएगा।